कसम से आप रो देंगे ये स्टोरी पढ़कर, ये हर टचिंग सैड लव स्टोरी पढ़कर आप सच में रो देंगे। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो इस लव स्टोरी को एंड तक जरूर पढ़े। तो आइए पढ़ते हैं इस सैड रोमांटिक स्टोरी को। आज रितिका का बर्थडे है और उसे पूरी उम्मीद है कि राहुल उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा। राहुल ने रितिका को वादा किया था कि उसके बर्थडे के दिन वो उसे एक हीरे की अंगूठी देकर प्रपोज करेगा। रितिका बेसब्री से राहुल का इंतजार कर रही है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है और राहुल सामने खड़ा होता है। राहुल बहुत खुश लग रहा है। राहुल, मुझे माफ़ कर देना रितिका, आने में थोड़ा लेट हो गया। रितिका, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, मेरा गिफ्ट कहाँ है? राहुल, एक टैडी बियर रितिका को देते हुए, हैप्पी बर्थडे रितिका, ये लो तुम्हारा तोहफा। अरे ये क्या? रितिका ने तो सोचा था कि राहुल हीरे की अंगूठी लेकर आएगा और उसे प्रपोज करेगा, लेकिन वो तो एक छोटा सा टैडी बियर ले आया। रितिका को मन ही मन बहुत गुस्सा आया और उसने बिना कुछ कहे और सोचे समझे टैडी बियर को उठाकर घर के खिड़की से बाहर फेंक दिया। रितिका गुस्से में लाल खड़ी है। तभी राहुल दौड़ कर नीचे जाता है। 200 सीढ़ियां नीचे उतर कर वो टैडी बियर लाने जो सड़क के बीचों बीच पड़ा है। जैसे ही वो टैडी बियर उठाने के लिए झुका, कहीं से एक ट्रक आकर राहुल को कुचल देता है। राहुल को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। रितिका हॉस्पिटल पहुँचती है और बहुत रोती है। राहुल के सब के पास ही वो टैडी बियर भी पड़ा है। रितिका उसे अपने सीने से लगाकर बहुत रोती है, बिलखती है। तभी रितिका को टैडी बियर पर एक बटन सा दिखता है। जैसे ही वो उस बटन को दबाती है, उस टैडी बियर में से राहुल की आवाज़ आती है, रितिका क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी टैडी बियर के ऊपर का हिस्सा खुलता है और उसमें से हीरे की अंगूठी निकलती है। रितिका अपने आप को शायद ही कभी माफ़ कर पाए। पर दोस्तों, राहुल और रितिका की यह हर टचिंग सैड लव स्टोरी हमें एक सीख देती है। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, अपने प्रियजनों से कभी नाराज मत होइए। माफ़ करने में कभी देर मत कीजिए, क्योंकि अपनों से माफ़ी मांगने से आप छोटे या बड़े नहीं हो जाते। अपने प्रियजनों को फौरन माफ़ कर दे, क्योंकि इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। गुस्से जैसी विषैले चीज़ की वजह से कहीं ऐसा न ही कि आपको भी रितिका की तरह पूरी ज़िंदगी पछताना पड़े। दोस्तों, आपको यह हर टचिंग सैड लव स्टोरी कैसी लगी, हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे।